नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीवन 24। जिला मुख्यालय पर आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त आरके सिंह के समक्ष 111 समस्याएं आई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निवारण करवाया गया। उपायुक्त आरके सिंह ने नागरिकों की समस्याएं सुनते ही उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करवाया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग समाधान शिविर में आने वाली वृद्ध महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को विशेष तवज्जो देते हुए निपटाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लोगों को शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। समाधान शिविर में विशेष तौर पर फैमिली आईडी में आईटी करवाने, वृद्धा अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बिजली पानी पीपी में त्रुटियों को दुरुस्त कराने सहित विभिन्न प्रकार की समस्याएं गंभीरता से सुनी जा रही। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिले में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में त्वरित समाधान होने से खुश लोग हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए सरकार व जिला प्रशासन का आभार जता रहे। शिविर में लोगों को उनकी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान मिल रहा है। समाधान शिविर में मौके पर ही बना राशन कार्ड, फैमिली आईडी की समस्या का हुआ समाधान। राशन कार्ड बनवाने के लिए कई दिनों से परेशान व्यक्ति समाधान शिविर में उपायुक्त आरके सिंह के समक्ष अपनी समस्या को रखा। उन्होंने मौके पर ही राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार रूड़ी निवासी लक्ष्मण दास फैमिली आईडी की समस्या से परेशान था। उसने समाधान शिविर में अपनी समस्या रखी। आधे घंटे में ही उसकी समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी समस्या का समाधान कहीं नहीं हो रहा था, जो कि समाधान शिविर में तुरंत हो गया। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हरियाणा के हर जिले में सुबह 9 से 11 बजे समाधान शिविर लगाया जा रहा है। सिरसा में और सिरसा के सभी सब डिवीजन में समाधान शिविर भली भांति लगाया जा रहा है और हमारे यहाँ लोग बहुत ही उत्साहित हैं। अभी तक यानी कि 14 दिन हुए हैं, हमारे 1327 टोटल कंप्लेंट आई हैं समाधान शिविर में, और जिनमें से 885 का समाधान हो चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऑन दी स्पॉट होने वाले हैं या 2-3 दिन के अंदर होने वाली हैं, उन समस्याओं का समाधान हम लगातार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। सर, किस प्रकार की शिकायतें लोग लेके आए? सिरसा में सबसे ज़्यादा शिकायत है फैमिली आईडी की, खासकर जिसमें इनकम कमियां ज़्यादा करने वाली हैं, राशन कार्ड की हैं, उसके बाद बुढ़ापा पेंशन है। और सिरसा जिले की ज्योग्राफी को देखते हुए अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जीवन 24।